कि आप अपने सी ड्राइव को एक्सटेंड किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपका जो सी ड्राइव है वो फुल हो गया है और आप उसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, उसके साइज को बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसे किस तरह से और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे मैं आपको अपने दिस पीसी पे यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मेरा सी ड्राइव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 76.7 GB का यहाँ पे मेरा सी ड्राइव है। और यहाँ पे मेरा जो सी ड्राइव है अब यहाँ पे ये फुल होने लगा है। और फुल होने से क्या होता है, ऐसे मान के चलिए कि आपका जो सी ड्राइव का जो स्पेस है वो अगर फुल हो जाता है तो आपका जो सिस्टम है वो आपका बहुत स्लो वर्क करेगा, हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो आपको इसकी स्पेस को इंक्रीज करना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने डी ड्राइव को सी ड्राइव में एक्सटेंड करना होगा। जैसे यहां पे मेरे जो डी ड्राइव है 71.5 GB का जो डी ड्राइव है उसे आपको सी ड्राइव में एक्सटेंड करना होगा, तभी जाकर आपका जो सी ड्राइव का जो स्पेस है वो आपका इंक्रीज हो पाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहां पे टाइप करना है, diskmgmt.msc। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। यहाँ पे आपको मेरा सी ड्राइव और डी ड्राइव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले एक्सटेंड करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा ये हाइड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो हाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरा अनलोकेटेड स्पेस नहीं है यहाँ पे मेरे सिस्टम में, इसी कारण यहाँ पे मेरा ये जो एक्सटेंड का जो ये ऑप्शन है ये हाइड है। पहले आपको यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने डी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है, और जैसे मैं आपको बता दूँ कि इसे करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी डी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है आपके डी ड्राइव में, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप कोई अनदर पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में या आपका कोई अनदर ड्राइव भी है तो आप उस ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए उस डेटा को, नहीं तो आप उस डेटा को अपने डेस्कटॉप पे या डाउनलोड वाले फाइल्स में भी आप रख सकते हैं। रख लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने डी ड्राइव को यहाँ पे डिलीट करना है, माने इसके पार्टीशन को आपको यहाँ पे डिलीट करना है, माने आपको इस पे ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसे यस कर दोगे तो यहाँ पे एक अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अनलोकेटेड यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो डी ड्राइव का जो पार्टीशन है वो डिलीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जो डी ड्राइव था वहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्सटेंड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया है। तो आपको करना ये है कि आपको एक्सटेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे यस, नेक्स्ट, देन फिनिश। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो सी ड्राइव का जो स्पेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 148 GB यहाँ पे हो गया है। जैसे मैं आपको अपने इस पीसी को भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो मेरा डी ड्राइव था वो एक्सटेंड हो गया है सी ड्राइव में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा जो सी ड्राइव का जो स्पेस भी था वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप यहाँ पे अपने सी ड्राइव के साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।